हे दोस्तों नमस्कार, मैं अभिनय श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिनय फैक्ट में। दोस्तों आपका प्यार लगातार मिल रहा है, खासकर हमारे ई रिक्शा सीरीज़ वाले वीडियो को, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों अगर आपके पास महिंद्रा ट्रियो यारी या महिंद्रा ट्रियो गाड़ी है तो आपको ये तीन बातें ज़रूर जाननी चाहिए। और हाँ, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया उसे लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे ज़रूर देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक ढलान वाली सड़क पर जा रहे हों और आपने अपने ई रिक्शा का इग्निशन ऑफ कर दिया क्योंकि आपको लगा ये तो गाड़ी नीचे जा रही है अपने आप, तो फिर ये खामखा बैटरी यूज़ होने की क्या ज़रूरत है। आपने उसे ऑफ़ कर दिया और गाड़ी खुद ब खुद नीचे ढूल रही है ढलान से। अगर ऐसा आप करते हैं तो कृपया भूल कर भी ये गलती ना करें, क्योंकि महिंद्रा ट्रियो यारी या ट्रियो के लिए ये ख़ास इंस्ट्रक्शन है कि जब भी आपकी गाड़ी मोशन में हो यानी चल रही हो, चाहे वो ढलान से चल रही हो या सामान्य सड़क पर चल रही हो, चलते हुए गाड़ी का इग्निशन अचानक कभी ऑफ नहीं करें, अन्यथा आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये सामान्य सी बात होती है इसलिए इसे लोग फॉलो नहीं करता है, लेकिन इस ई रिक्शा के लिए ख़ास ये इंस्ट्रक्शन है कि कृपया चलती हुई गाड़ी का इग्निशन कभी ऑफ नहीं करें। दूसरी बात वो ये है कि जब कभी आपका ई रिक्शा अगर ख़राब हो जाता है, महिंद्रा ट्रियो यारी या ट्रियो, तो उसे आप किसी गाड़ी या किसी अन्य वाहन के मदद से लेकर सर्विस सेंटर जाते हैं खींच कर रस्सी के माध्यम से या केबल के माध्यम से। उस कंडीशन में भी आपको अपनी ट्रियो यारी का इग्निशन ऑन रखना है, और ये ध्यान रखना है कि आपकी जो गाड़ी महिंद्रा ट्रियो यारी या ट्रियो जो खींच कर लेकर दूसरी गाड़ी जा रही है उसका स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या ख्याल रखना है दूसरा, कि जब कभी भी आप अपनी गाड़ी को अगर सर्विस सेंटर ले जा रहे हैं किसी दूसरे वाहन की मदद से ख़राब होने की स्थिति में, तो उसका स्पीड का ध्यान रखें कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा स्पीड ना हो। तीसरी बात, अगर आपके चार्जर में प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से आप अपनी ई रिक्शा को चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप किसी अन्य व्यक्ति जिनके पास महिंद्रा ट्रियो यारी या ट्रियो हो उनसे चार्जर लेकर कृपया अपने गाड़ी को फुल चार्ज कर लें और सर्विस सेंटर ले जाएं। अगर किसी वजह से आपकी गाड़ी को कुछ दिनों के लिए नहीं चलाना है यानी खड़ी करके रखना है, तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, आप अपनी गाड़ी को 100% चार्ज कर लें और उसमें एक छोटी बैटरी होती है जिसे एक्सिलरी बैटरी बोलते हैं, जो कि पीछे वाली सीट के नीचे होती है, उसे कृपया डिस्कनेक्ट कर दें। कैसे डिस्कनेक्ट करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो सीट है, सीट को हम उठाते हैं और इसी के नीचे एक्सिलरी बैटरी यानी छोटी वाली बैटरी है, सहायक बैटरी। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये जो बैटरी है ये छोटी वाली बैटरी है, इसका ही कनेक्शन हमको डिस्कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ दो देखने का, रेड कलर का है ये और ये ब्लैक कलर का, तो ये इसमें से एक का कनेक्शन हमें डिस्कनेक्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे, मैं डिस्कनेक्ट भी करूँगा इसको और पुनः इसे लगा कर भी दिखाता हूँ। तो चलिए देखिए, ये रेड कलर को डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ मैं, चूँकि दो यहाँ पर दिया हुआ है इसको। देखिए ये यहाँ से मैंने निकालना शुरू किया, ये मैंने निकाल दिया, ये रेड कलर निकाल दिया, क्योंकि ब्लैक उसमें फिक्स होता है उसको नहीं निकाल सकते हैं, तो रेड ही निकाला। देखिए इसको अगर लगाना भी होगा तो फिर आसानी से वहीं से लगाया भी जा सकता है। तो ये देखिए ये लग गया, तो इसे हमें डिस्कनेक्ट कर देना है। तो उसे डिस्कनेक्ट कर दें और इग्निशन तो ऑफ रहेगा ही, आप अपनी गाड़ी को खड़ी रखें जितने दिन तक खड़ी रखना हो, लेकिन 15 से 20 दिनों के अंदर उसे पुनः चार्ज करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी जो बैटरी है वो डीप डिस्चार्ज में चली जाएगी और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कृपया तीसरी बात जो है उसका ध्यान ये रखना है कि अगर आपको गाड़ी खड़ी करने की ज़रूरत पड़ गई
किसी वजह से, चाहे वो चार्जर ख़राब होने की वजह से चार्जर आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो भी आप किसी की मदद लेकर चार्ज कर गाड़ी को अगर खड़ी रखते हैं तो फुल चार्ज करके खड़ी रखें और 15 से 20 दिनों के भीतर पुनः चार्ज ज़रूर कर लें। या कोई प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से गाड़ी खड़ी करनी पड़ रही हो, या आप कहीं जा रहे हो गाड़ी खड़ी करनी पड़ गई, तो आपको फुल चार्ज करके खड़ी करना है गाड़ी को सुरक्षित जगह। आपका इग्निशन ऑफ होना चाहिए और एक्सिलरी बैटरी जो है पीछे वाली छोटी वाली बैटरी, उसका कनेक्शन डिसकनेक्ट कर देना है ताकि आपका जो बैटरी का चार्ज हो वो धीरे धीरे खर्च हो और वो बची रहे। तो इस बातों का ख्याल रखें तो आपके ई रिक्शा में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आप जो कमेंट करते हैं मैं उसका जवाब तो कमेंट में देता ही हूँ, लेकिन अब मैंने एक नया शुरू किया है इनिशिएटिव, वो ये है कि आप जो भी कमेंट करेंगे उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। इसलिए आपको जो भी सवाल हो कृपया आप कमेंट करें और उसका जवाब मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और शॉर्ट वीडियो बनाकर भी आपको जवाब दूंगा। तो कृपया हमारे शॉर्ट को भी देखें, उसमें आपके कमेंट का जवाब मिलेगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत नमस्कार।